टोटल एनर्जी ऑफ द बॉडी एग्जीक्यूटिंग सिंपल हार्मोनिक मोशन एस एच एम इज ई. देन द काइनेटिक एनर्जी व्हेन द डिस्प्लेसमेंट इज हाफ ऑफ द एम्पलीट्यूड इज. हमें काइनेटिक एनर्जी बतानी है जब डिस्प्लेसमेंट क्या हो एम्पलीट्यूड के हाफ हो. ओके तो हमें बताना क्या है, डिस्प्लेसमेंट बतानी है. तो हमारे पास ये एक सिंपल हार्मोनिक मोशन है, यहाँ पे लेफ्ट एक्सट्रीम मीन पोजिशन एंड राइट एक्सट्रीम. ये यहाँ पे मान लीजिए पार्टिकल है तो ये एम्पलीट्यूड क्या दे रखा है इसका ए बाय टू. डिस्प्लेसमेंट यानी कि एम्पलीट्यूड इसका अगर ए है तो इसकी डिस्प्लेसमेंट जो होगी वो ए बाय टू इसने कह रखी. तो काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला होता है हाफ के ए स्केयर माइनस एक्स स्केयर. तो काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू क्या हो जाएगी, हाफ के ए की जगह ए स्केयर माइनस एक्स की जगह क्या हो जाएगा ए बाय टू का स्केयर आ जाएगी हमारे पास. तो हाफ काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू आ जाएगा हाफ के ए स्केयर माइनस ए स्केयर डिवाइड बाय फोर, यानी कि काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू आ जाएगी हाफ के इंटू थ्री ए स्केयर डिवाइड बाय में फोर. और इसने कह रखा है यानी काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू हो गया हाफ के ए स्केयर डिवाइड बाय में इंटू में थ्री बाय फोर. और टोटल एनर्जी जो इसने कह रखी है देयर फोर टोटल एनर्जी इक्वल टू क्या होती है हाफ के ए स्केयर के, और ये इसने कह रखी है ई के इक्वल है. टोटल एनर्जी हाफ के ए स्केयर होती है और ये क्या कह रखी है ई के इक्वल है. तो ये यानी क्या होगी हमारे पास टोटल एनर्जी और ये ई के इक्वल है. तो काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगी ई की फॉर्म में देखें तो थ्री बाय फोर ई. दिस इज द आंसर.